अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल हुरा वीलॉग में आप सबको खुश आमदीद। हुरा वीलॉग में आपने हुरा वीलॉग चैनल को अभी तक जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इंफॉर्मेटिव न्यूज़ और लेसन से रिलेटेड लर्निंग जो वीडियोस हैं आपको नोटिफाई होती रहें। बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि आपको न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जी, तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप अपने पेन ड्राइव यानी यूएसबी पे अपना जो है उस पे आइकन के तौर पे अपनी पिक कैसे लगा सकते हैं, अपनी या कोई भी पिक कैसे लगा सकते हैं। ये इसलिए होता है, पेन ड्राइव अक्सर पेन ड्राइव सेम होती हैं दोस्तों की तो मिक्स हो जाती हैं। इसके लिए हमें आइडेंटिफाई करने के लिए, अलग करने के लिए हम अपनी जो है यूएसबी पे के आइकन पे हम क्या कर लेते हैं, अपनी पिक लगा लेते हैं। जी, तो वो पिक हम कैसे लगाएंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए मैं आपको बताती हूँ। अगर आप आइकन पे अपने पिक लगाने के लिए, यूएसबी के आइकन पे लगाने के लिए आपके पास एक पिक का होना ज़रूरी है, वो कोई भी हो। ठीक है जी, हमारे पास पिक पड़ी हुई है, हम इसको राइट क्लिक करके इसको ओपन विद कर लेते हैं। ओपन विद पेंट यानी इसको पेंट में हम खोल लेंगे। पेंट में खोलने के बाद हम इसको थोड़ा क्रॉप कर लेंगे, मतलब जितना हिस्सा क्रॉप आप समझते होंगे काट लेंगे, जितना हिस्सा हम अपनी पिक का लाना चाहते हैं उधर। तो हम इधर से सेलेक्ट ऑल किया इसको एंड क्रॉप। क्रॉप करने के बाद आप जितना हिस्सा आप चाहते हैं कि वो हमारा आइकन के तौर पे पिक के आ जाए तो उसको करके आप इसको क्रॉप पे कर दें, तो देखेंगे हमारी पिक जो है वो कट गई है, क्रॉप हो गई है। तो इसको हम इधर से फाइल से सेव एज पे जाके इसको सेव कर लेंगे। जी, तो इसको सेव एज टाइप जो हमारे पास है इसको सेव आपने कैसे करना है, टाइप जो है इसकी, इसको आपने क्लिक करके इसमें से 24 बिट मैप बीएमपी वाला क्लिक कर देना है। जी, तो इसका जो नाम है पिक का जो है, पहले तो पहले वाला ही नाम था तो उसकी जगह पे आ जाएगी, हम इसका नाम जो है वो चेंज कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम जो है 1 इसका सिंपल नेम रख लेते हैं और बीएमपी आगे लिखा हुआ है, ना लिखा हो तो आपने बीएमपी इसके आगे फाइल नेम के आगे लिखना है। तो हम इसको कर देते हैं सेव। सेव करने के बाद आप देखेंगे कि आपका जो है आपके पास जो पड़ी हुई हैं तस्वीरें ई में, जहां आपकी ओरिजिनल पिक पड़ी हुई थी उधर अब आपकी क्रॉप्ड पिक भी पड़ी हुई है जो आपको आइकन के तौर पे यूज़ करनी है। तो आप अपने पुराने वाली पिक को डेल कर देंगे। जी, डेल करने के बाद अब हम इस पिक को करने के लिए इसका बना लेते हैं नोट पैड, ओपन कर लेते हैं। जी, तो हमने नोट पैड ओपन कर लिया। जी, ये नोट पैड ओपन करने के बाद हम इसमें थोड़ा लिखेंगे, इसमें लिखेंगे हम, दो खुल गए हैं, इसमें हम ब्रैकेट लगा के हम इसके अंदर लिखेंगे ऑटो रन और ये क्लोज कर देंगे। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद एंटर करके अब हमने इस पिक को आइकन के तौर पे करना है। तो हम इधर आइकन इज इक्वल जिस नाम से आपने इसको सेव किया है, और हमने इसको सिंपल 1 BMP से सेव किया है, तो हम 1 डॉट जो है इसके साथ BMP इसको कर लेंगे। इसको करने के बाद आप इस फाइल को भी क्या करेंगे, फाइल को सेव एज में जाके हम इसी में फाइल में सेव कर लेते हैं, यानी ई में ही हम सेव कर लेंगे। ई में हमने क्लिक किया, सेव एज टाइप पे हमने यहाँ से ऑल फाइल्स पे क्लिक कर लेना है। तो देखें आपकी फाइल इधर शो होने लग गई है, तो इसको इधर आपने लिख देना है ऑटो रन, जो आपने उधर लिखा है वो ऑटो रन लिख के, ऑटो रन के बाद डॉट लगा के आपने एक्सटेंशन लगानी है INF, इसके साथ जो है वो आपने लिख देना है और इसको कर देना है सेव। जी, तो सेव करने के बाद आप देखेंगे कि हमारी ई ड्राइव में हमारी पिक के साथ एक ऑटो रन फाइल भी आ रही है। अब इसको हमने लगाने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को सेलेक्ट करने के बाद हम इनको कॉपी कर लेंगे, इनको दोनों को कॉपी करके तो हमारी पेन ड्राइव जो है उसमें जाएंगे। ये हमारी है AA वाली, इसको ओपन किया और इसमें आके हमने इसको
पेस्ट कर देना है, दोनों को पेस्ट कर देना है। तो जब हम इसको पेस्ट करेंगे देन आपने रिफ्रेश कर लेना है। रिफ्रेश करने के बाद अब आपने अपनी पेन ड्राइव को अनप्लग करना है या उतारना है, और अगेन जब आप पेन ड्राइव लगाएंगे तो आप देखेंगे आपकी पेन ड्राइव पे आपकी पिक आइकन के तौर पे लगी होगी। जी तो हम देखते हैं क्या है, हमारी पिक जो है वो अप्लाई हो गई है। जी दिस पीसी, जी तो ये देखें, आप देख सकते हैं AA के ऊपर आपकी पिक जो है वो अप्लाई हो गई है। जी दोस्तों मुझे उम्मीद है आप लोगों को इस की बहुत अच्छी समझ आ गई होगी, और ये हमारे इस्तेमाल में भी आता है। दोस्तों में हम इसको यूज़ करके बताएं तो हमारी जो है हम बता सकते हैं कि हमें डिफरेंट ट्रिक्स का पता है जो कि लोगों को आम लोगों को नहीं पता। तो जो और इस तरह आप अपनी लगा के और अपनी USB को पेन ड्राइव को जो है वो दूसरों से डिफर भी कर सकते हैं, डिफरेंट कर सकते हैं। जी तो मैं उम्मीद करती हूँ आप सबको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिन्होंने अभी तक जो है बेल आइकन का नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया तो वो उसको ऑन कर लें, ताकि उसका फ़ायदा ये होगा कि आपको जो नेक्स्ट बनने वाली न्यू वीडियोज़ होंगी उनका नोटिफिकेशन जल्दी फ़ौरन आपको मिल जाएगा। और आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमेशा खुश रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।